हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एनएमडीसी शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। एनएमडीसी के शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट अभी हमें देखने को मिली है। कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए तो पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा गिर रहा है। 175 रुपये का हाई लगा करके फिलहाल 75 रुपये गिर के 101 रुपये के आसपास अभी ट्रेड ये कर रहा है स्टॉक। तो इतनी ज़्यादा गिरावट जो इसमें हुई है, इसका क्या रीज़न रहा है वो तो सभी को पता है कि मेटल सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, जिस कारण से हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी को सभी में हमें करेक्शन देखने को यहाँ पे मिला है। तो फ्रेंड, क्या होगा यहाँ पे आगे? तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो वीकली चार्ट मैंने आपके सामने लगा के रखा है, और इस वीकली चार्ट के अंदर आपको कुछ चीजें बता देता हूँ मैं कि किस तरीके से इसके अंदर भी ट्रेंड चल रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम बात करें इस वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट के अंदर आप देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल जो लाइन यहाँ पे बनी हुई है, इस लाइन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करी है, तो अभी जो सपोर्ट लिया जा रहा है कैंडल द्वारा, वो एग्जैक्ट सपोर्ट आज से 3-4 हफ्तों पहले, मतलब आज से 3 हफ्ते पहले की बात करें तो एग्जैक्ट सपोर्ट उस दिन भी लिया गया था। यदि ये सपोर्ट आज नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो स्टॉक और ज्यादा पोटेंशियल रखेगा नीचे जाने का। वैसे 100 रुपये जो है वो साइकोलॉजिकल नंबर है, तो 100 रुपीज पे आने के बाद बाइंग का लेवल भी बढ़ जाता है। तो बायर्स और सेलर जो है, इन दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे खींचतान का माहौल चल रहा है। 100 रुपए के आसपास क्या हो रहा है, बायर्स भी एक्टिव है, सेलर्स भी एक्टिव है। तो इस जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि यदि यहाँ पे कंसोलिडेशन कंसिस्टेंटली चलता है तो ये स्टॉक एक तरफा किधर जाएगा, जो इसके अंदर जीत होगी, जिसकी मान लो बायर अगर जीतते तो स्टॉक ऊपर की तरफ भी जा सकता है, और सेलर की अगर जीत होती है तो नीचे की तरफ स्टॉक यहाँ से जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो फिर यहाँ पे मैं आपको क्लियरली, ये वीक चार्ट था, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर मंथ, सॉरी इसके अंदर अपन देख लेते हैं यहाँ पे डे चार्ट। डे चार्ट में किस तरह का कामकाज हो रहा है ये देखिए आप। डे चार्ट की अगर हम बात करें तो सेम प्रोसेस वही की वही देखने को मिलेगी। कुछ दिनों पहले से ये स्टॉक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कामकाज यहाँ पे कर रहा है। तो ये वाला आप जो स्टॉक है इसको अपन देखने की कोशिश करेंगे। वापस देखिए सेम लेवल 101 रुपए का लेवल, और यहाँ पे मैंने बना दी लाइन, और इस लाइन को अगर आप देखें तो इसी लेवल पे क्या किया है, 3 से 4 बार स्टॉक क्या कर चुका है, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, लेकिन नीचे अभी तक नहीं गया। लेकिन यहाँ से नीचे चला गया तो फिर आप इसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अभी एक चांस बनता है कि यदि आप अभी एंट्री लेते हैं 101 पे, तो 3-4 बार नीचे की तरफ यहाँ पे गया है और वापस ऊपर आया है, तो 110 रुपये का छोटा टारगेट यदि आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ऐसा भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ आया है स्टॉक। इसके अलावा यहाँ भी देखें अगर अपन, तो यहाँ से भी क्या करा था, 110 रुपये के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिला था। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप बाइंग करें तो कल को ये फिर से 110 के आसपास आपको देखने को मिले कुछ दिनों के बाद। तो फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोटे टारगेट के लिए आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा कि या फिर स्टॉप लॉस ना लगाएं तो क्वांटिटी को एक्यूमुलेटेड करना होगा जैसे जैसे नीचे जाता है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें, इतने छोटे टारगेट के लिए अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी आपको छोटा रखना रहेगा। 100 रुपये से नीचे स्टॉक जाता है 97 को क्रॉस कर दे दी तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि यहाँ पे 97 के बाद 95 फिर 90 के नीचे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपए का साइकोलॉजिकल नंबर जो है वो 2-3 पॉइंट अगर नीचे की तरफ टूट गया तो फिर क्या होगा, स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे जाने का पोटेंशियल यहाँ पे रखता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन 10 रुपए के टारगेट के लिए अभी एक अच्छी एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे एंट्री लेकर 110-111 रुपए का टारगेट आप आसानी से रख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे एनएमडीसी शेयर को लेकर शॉर्ट टर्म का, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शेयर बहुत अच्छा है, फंडामेंटल स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बाय कर सकते हैं, और बहुत अच्छे टारगेट आपको आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फिर अभी तो करेक्शन का दौर चल रहा है, उस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे क्या दिख रही है, हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो गिरावट अभी हो रही है उसका रीजन भी यही है कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली जितने भी मेटल सेक्टर के स्टॉक है उनके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही में आज मार्केट भी क्या कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, निफ्टी भी डाउन में है, यहाँ पे सेंसेक्स भी आज डाउन में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस रेंज की अगर हम बात करें तो इस रेंज के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं रेंज को यहाँ पे लाइन से हाईलाइट भी कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, छोटे से टारगेट की एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं और 110 रुपये प्रॉफिट लेके आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे अपन करेंगे वीडियो को वाइंड अप। किसी भी तरह की एंट्री एग्जिट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, खुद की रिसर्च करें उसके बाद कोई भी एंट्री ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।